नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। बात होगी एनडीए में तेज हुई खींचतान की, मोदी सरकार पर कांग्रेस के बड़े दावे की, देखेंगे बंगाल बीजेपी में पड़ी फूट को, आरएसएस नेता के बीजेपी पर तंज को, जानेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोर्ट की सुनवाई को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आप सांसद संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान, बोले दिल्ली के लोगों ने बीजेपी के सातों सांसद जिताए, उसके बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों को सजा दे रही है। पवन खेड़े का मोदी सरकार पर हमला, बोले इस सरकार में कोई किसी भी चीज की नहीं लेना चाहता जवाबदेही, बताया यूपीए के समय केवल आरोप लगने पर दे दिए जाते थे इस्तीफे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बीजेपी पर तंज, कहा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सिर्फ 30 सीटों का अंतर, लोगों ने बीजेपी को नैतिक रूप से परास्त किया। शेयर बाजार में तेजी, 181 अंकों की तेजी के साथ 76,992 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 66 अंकों की तेजी के साथ 23,465 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थे सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें मिली हों, लेकिन बीजेपी ने दूसरे दलों की मदद से सरकार बना ली। वहीं अब एनडीए में फूट की खबर सामने आ रही है। बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में खास तौर पर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही एनडीए बिखर जाएगा। तो क्यों मुश्किल में दिख रही है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बने 4 से 5 दिन ही हुए हैं कि सरकार में टकराव खुलकर अब सामने आ गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे इसलिए नाराज हैं कि 7 सांसद होते हुए उनकी पार्टी को सिर्फ एक राज्य मंत्री का पद मिला है। अजीत पवार के एनसीपी की नाराजगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के चलते बनी हुई है। टीडीपी नाराज है क्योंकि बीजेपी उसे लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी सौंपने को तैयार नहीं दिख रही है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार के चलते पहले ही बीजेपी से नाराज थे और अब उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत तक दे दी है। इस बीच गया से बीजेपी के 2 बार के सांसद हरी मांझी ने भी अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मांझी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया, लेकिन वो अपनी जाति का वोट भी एनडीए को नहीं दिला पाए, जिस कारण से एनडीए औरंगाबाद, काराकाट, बक्सर और आरा की सीट हार गया। बीजेपी हाईकमान को प्रदेश नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए, अध्यक्ष ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं को इज्जत दे। इस बीच यूपी में अपने बेटे प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर सीट पर मिली हार के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बीजेपी के कारण हारा है, तो योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक धर्मवीर प्रजापति ने भी पार्टी नेताओं के बयानों को हार का बड़ा कारण माना है। बीजेपी से नाराजगी के मामले में झारखंड में उसकी सहयोगी आजसू का नाम भी जुड़ गया है। आजसू को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जिसके बाद वो एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में जुटी है। साफ है एनडीए सरकार में टकराव अब बढ़ता जा रहा है। हार के बाद एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है, गठबंधन में भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के एक बयान ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि वो जब चाहे तब मोदी सरकार को गिरा सकती है, जिससे बीजेपी टेंशन में है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है, 10 साल में ये बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन है। माना जा रहा है कि अगर सरकारी संस्थानों और मीडिया चैनलों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो एनडीए को 150 सीटें मिलना भी मुश्किल था। बीजेपी ने किसी तरह से टीडीपी और जेडीयू से मदद लेकर सरकार तो बना ली है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस के सूत्रों से ये खबर सामने आई है कि पार्टी जब चाहे तब मोदी सरकार को गिरा सकती है। कांग्रेस के इस बयान से बीजेपी और एनडीए के खेमे में हलचल मच गई है। दावा किया जा रहा है कि मोदी अब बमुश्किल 6 से 7 महीने ही पीएम रह पाएंगे। आपको बताते चलें कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार गलती से बनी है, पीएम मोदी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से चलें, लेकिन पीएम मोदी की आदत है कि जो चीज ठीक से चलती है उसे चलने नहीं देते। हम अपनी तरफ से देश को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद एनडीए में तकरार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो वहीं इस बीच बीजेपी नेता का बयान सुर्खियों में है। नतीजों के बाद से ही बीजेपी में अंतर्कलह सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद ने बंगाल में आई कम सीटों के लिए पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।
साथ ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को सलाह दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद बीजेपी में लगातार अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं। तो वहीं अब पश्चिम बंगाल से भी बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिली कम सीटों पर बड़ा बयान दिया है। सौमित्र खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी की स्थिति 18 से घटकर 12 रह गई है, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह बीजेपी का खराब नेतृत्व रहा है। पार्टी ने कुछ गलत फैसले लिए, हमारे नीति निर्धारण में एक अंतर था। टीएमसी ने प्रति लोकसभा क्षेत्र में दो विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया और उसके अनुसार योजना बनाई, हम इसकी काट नहीं निकाल पाए। बीजेपी को सभी का साथ लेकर चलना होगा। पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ताओं और नेताओं के योगदान को नजरअंदाज बीजेपी नहीं कर सकती है। इसी के साथ खान ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा कि हमें जिलेवार नेतृत्व तैयार करना होगा। तीन बड़े नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और इस पर बात करने की जरूरत है कि हम अधिक सीटें क्यों नहीं जीत सके। राज्य बीजेपी की ओर गिरावट को रोकने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना होगा। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद ने बीजेपी के तीन सांसदों के अपने संपर्क में होने का दावा किया था और कहा था कि जल्द ही बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में बीजेपी सांसद सौमित्र खान का ये बयान बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत दे रहा है। एक तरफ जहां चुनाव के बाद से ही एनडीए के अंदर टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं संघ और पीएम मोदी के रिश्ते भी अब सड़क पर आते दिखाई दे रहे हैं। संघ के वरिष्ठ नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर आरएसएस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा आरएसएस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के हिसाब से नतीजे नहीं मिले। अयोध्या सीट पर भी पार्टी को शिकस्त मिली, जिसके बाद से बीजेपी में इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। पार्टी हार के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बगैर नाम लिए बीजेपी को अहंकारी तक कह दिया। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार आ गया तो उनका क्या हश्र हुआ, देख लीजिए। भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं। उन्होंने कहा कि जो अहंकारी बन गए हैं, भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने अयोध्या की हार को लेकर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने जनता पर जुल्म किया, राम जी ने उसे 5 साल के लिए आराम करने के लिए भेज दिया। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था। इसमें कहा कि बीजेपी अब अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अब आरएसएस नेता का बयान सामने आया है। इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि नड्डा के इस बयान के बाद आरएसएस ने इस चुनाव में बीजेपी से दूरी बना ली। संघ ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं अब केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। तो क्या हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके 50 दिन बाद 10 मई को वो चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए थे। इसके बाद आखिरी चरण के प्रचार समाप्त होते ही केजरीवाल ने अगले दिन 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। अब शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी ओर से 2 आवेदन पेश किए। पहला तो ये कि केजरीवाल की मेडिकल जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहें, और दूसरा कि मेडिकल बोर्ड की बैठक में हमें अपने इनपुट देने की अनुमति दी जाए। इन आवेदनों पर ईडी ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, किसी एजेंसी की हिरासत में नहीं। अब केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून को होगी। एक तरफ जहां ईडी सवालों के घेरे में है, तो वहीं सवाल मोदी सरकार पर भी उठाए जा रहे हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नीट एग्जाम के नतीजों में गड़बड़ी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो क्या फैसला सुनाया है कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। देश भर में नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली का मामला गरमाया हुआ है। इसी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस दौरान शुक्रवार को ही नीट अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। प्रधान ने भले ही नीट काउंसलिंग पर छात्रों को बिना भ्रमित हुए आगे बढ़ने की बात कह दी हो, लेकिन छात्र उनके इस आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को ही धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहकर इस मामले से पल्ला झाड़ लिया था कि नीट परीक्षा में कोई घोटाला नहीं हुआ है। वही विपक्ष भी इस मामले में छात्रों के पक्ष में डटा हुआ नजर आ रहा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दूसरा व्यापक घोटाला बताया। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में सिर्फ ग्रेस नंबर ही इकलौता मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें पेपर लीक समेत कई धांधलियां भी हुई हैं। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए इस मामले की लीपापोती करने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि सरकार ने एनटीए का इस्तेमाल कर बड़े लेवल पर धांधली की है, जिससे कई होनहार छात्रों के साथ धोखा तो हुआ ही है, इसी के साथ उनका मनोबल भी गिरा है। मोदी सरकार के सामने अब बड़ी मुश्किल चुनौती दिख रही है। नीट मामले में वो बुरी तरह से घिर गई है। ये मामला संसद में भी उठना तय माना जा रहा है। इस बीच अब संसद के मानसून सत्र की तारीख भी सामने आ रही है, तो कब से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, देखिए रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। संसद का विशेष सत्र 24 मई को बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से सांसदों के शपथ ग्रहण और नए स्पीकर का चुनाव होगा। तो अब संसद के मानसून सत्र की तारीख भी सामने आ गई है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, जो 9 अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष मणिपुर, अडानी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। संसद सत्र के पहले कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बजट पेश करेंगी। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वो देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जो लगातार 7वां बजट और लगातार 6ठा पूर्ण बजट पेश करेंगी। फिलहाल संसद के विशेष सत्र और मानसून सत्र की तारीखें तो सामने आ गई हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। टीडीपी और जेडीयू की नजर स्पीकर पद पर है। इसके साथ ही इस बात पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि क्या सरकार इस बार लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव करवाएगी। 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं कराया गया था। 17वीं लोकसभा पहली ऐसी लोकसभा बन गई जिसमें डिप्टी स्पीकर ही नहीं था। ऐसे में विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या इस बार भी लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं होगा। और बुलेटिन मैम, रुकिए, कैसे हो मैम? कैसे हो? बहुत टाइम बाद। वो गाड़ी देगा ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर कुछ लगाना पड़ेगा। हाँ, फाइन लग जाएगा ना। डेजी डेजी, थैंक यू, बाय बाय। हेलो, हाय, गुड। यहाँ पे बैठना, एक सेकंड फोटो करते हैं। वेट 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 मालविका, वेट 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 वेट। यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्या बात, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब